समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, दोनों की दोनों उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों का यूज करती हैं, इस्तेमाल करती हैं, उनके वोट हासिल करती हैं, सरकार बनाती हैं और उसके बाद में भूल जाती हैं। पिछले मैनिफेस्टो में भी समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए काफी बड़े बड़े वादे किए, बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को जेल से रिहाई का वादा किया, लेकिन पूरे 5 साल गुजर गए, कोई बेगुनाह जेल से बाहर नहीं आया। वो आज भी कई कई सालों से जेल के अंदर सड़ रहे हैं और जुल्म और ज्यादतियां सह रहे हैं। इसके अलावा बेशुमार हिंदू मुस्लिम फरकावराना फसाद हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया, बल्कि मुसलमानों पर जुल्म हुए, वो बेचारे जुल्म सहते रहे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन में उनका कोई सुनने वाला नहीं था। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने 100 टिकट तो दिए हैं, लेकिन इल्जाम उन पर हमेशा से यही रहा है कि उन्हीं मुसलमानों को टिकट दिया जाता है जो उनको टिकट के बदले पैसे दे सकें। अब जो लोग पैसे देकर टिकट लेंगे और एमएलए बनेंगे, वो मुसलमानों के हमदर्द कैसे हो सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मायावती चूंकि वो अपने आप को सोशल इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी माहिर मानती हैं, उसी बुनियाद पर वो टिकट बांटती हैं। अभी पिछले दिनों की मिसाल है कि जिन अंसारी बिरादरान को उन्होंने गाली देकर अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया था, पार्टी से बाहर कर दिया था, आज अखिलेश के नजरअंदाज करने के बाद उन्हीं अंसारी बिरादरान को टिकट देकर अपना लिया, बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करा दिया। तो मैं समझता हूं कि जब ये इस तरह की पॉलिसी अपनाती हैं दोनों पार्टियां, तो ये मुसलमानों की सच्ची हितेशी, सच्ची हमदर्द कैसे हो सकती है।